फैजाबाद में बुद्धि समाज का सपना नेक्स्ट पीएम अपना देश व्यापी रथ मार्च के अंतर्गत प्रथम चरण की यात्रा 3050 के विभिन्न जिलों से होती है। दिनांक 30/11/2018 को जनपद फैजाबाद में पहुंची। उक्त रथ यात्रा को बसपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कोऑसी जयप्रकाश सिंह जी के संयोजक में बहुजन यूथ फॉर मिशन 2019 के अंतर्गत किया जा रहा है, जो आज फैजाबाद में निकली रथ यात्रा के दौरान बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। अंकुश भारती, विपिन बोस, अनिल चौधरी, करण बोस, सन्नी जाटव, बहुजन टाइगर आदि लोग शामिल रहे। फैजाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। क्योंकि कांग्रेस बीजेपी को काफी समय से देख लिया है एक विकल्प के रूप में, जो बहन कुमारी मायावती जी इस देश के अंदर एक लीडर देखती हैं और उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए, क्योंकि नौजवानों के लिए रोजगार तो इन्होंने कुछ दिया नहीं, शिक्षा भी लगवा करके बंद ही कर दी, SC ST OBC का जो स्कॉलरशिप था वो भी बंद कर दिया, उसका पैसा सारा का सारा लगा रहे हैं उधर इलाहाबाद में लगा रहे हैं, कुंभ के मेले में लगा रहे हैं, वो 4,000 करोड़ रुपये वहाँ लगा रहे हैं, जो कि देश के अंदर मात्र डेढ़ परसेंट पैसा खर्च हो रहा है, और वहाँ करोड़ों कई हज़ार करोड़ रुपये पैसे लगा रहे हैं, रुपया देना लगा रहे हैं ये लोग, तो उनको जवाब देने के लिए, क्योंकि तुम्हारे बस की शिक्षा के बारे में शिक्षा को तैयार करना तुम्हारे बस की तो है नहीं, शिक्षा रोजगार पैदा तो तुमने किया नहीं, मंदिर मस्जिद की बात करते हो, हमेशा मंदिर मस्जिद के नाम पर ही तुम लोग वोट लेकर के युवाओं का, और उनको समझते हो कि हमने बहुत बड़ा रोजगार दे दिया, तो इसके लिए हम तो सन 2019 में कैसी रणनीति रही है आप लोग? सन 2019 में हमारी बहुत अच्छी रणनीति होगी, अभी हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय जयप्रकाश जी के नेतृत्व में जो रथ यात्रा निकल रही है, ये युवाओं को मैं प्रेरणा देने के लिए, उनको तैयार करने के लिए, क्योंकि 2019 में एक ऐसा समय है, क्योंकि ये बदलाव का समय है, युवा जिधर करवट लेगा उधर ही होगा, और हम युवाओं को तैयार करने के लिए और बुजुर्गों के अनुभव से और युवाओं के जोश से 2019 में माननीय बहन जी अवश्य प्रधानमंत्री। दिल्ली से इसको शुरू किया है, जो भी पीछे गई है 18 तारीख, उसके बाद में हम लोग इसको जो हमारे पश्चिम के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको कवर करते हुए, उसके बाद हम पूर्वांचल में गए, पूर्वांचल के बाद हम लोग बुंदेलखंड के हमने सारे डिस्ट्रिक्ट कवर किए हैं, आज हम इस बीच में इधर फैजाबाद इधर पहुँचे हैं। इसका उद्देश्य है कि जिस प्रकार से बीजेपी के लोगों ने अभी कुछ दिन पहले बाइक रैली निकाली थी, उन्होंने वो इसलिए निकाली थी जिससे कि उनके कार्यकर्ता और उनके वोटर का मनोबल बढ़ता रहे, जारी रहे, तो हमने सोचा कि हमारे जो नौजवान साथी हैं वो भी चाहते हैं कि हमारी BSP पार्टी का भी कुछ काम होना चाहिए, इसलिए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हमने ये निर्णय लिया है। ये हमारा 1 तारीख को दिल्ली में समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम पंजाब और हरियाणा को कवर करेंगे, इसके बाद हम कश्मीर से कन्याकुमारी जिस रूट पर मान्यवर साहब काशीराम जी ने अपनी साइकिल मार्च की थी उस रूट पर चलेंगे, उसके बाद हम आउटर स्टेट को कवर करेंगे भारत के। इस प्रकार से हम भारत जो अभी 2019 में जो चुनाव होने वाला है उससे पहले पूरे देश में आदरणीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए माहौल तैयार करेंगे, इसी के संदर्भ में हम इधर पहुँचे हैं। हमारे साथ में आप इधर हैं, अमरदीप सिंह जी हैं हमारे कानपुर से हैं, आप भगवान सिंह यादव जी हैं हमारे इधर जो हैं ये उरई जालौन से हैं, हमारे ये साथी हैं, हमारे भाई साहब हैं, हमारे विपिन जाटव जी हैं, और हमारे बहुत से साथी हैं, प्रिंस दिवाकर छात्र नेता हैं, भरत गौतम जी हैं हमारे गाजियाबाद से। इस प्रकार से पूरा जो बहुजन समाज है उनका ये आज मनसा बन चुकी है कि शिक्षा रोजगार पाना है तो बहन जी को PM बनाना है, इस प्रकार की सोच को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। इस प्रकार से BJP ने पहले जो अपने वादे, और आज आपके जरिए ये रैली किस प्रकार से निकली जा रही है? ये पूरी मुहिम यानी माननीय जो है पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश जी के नेतृत्व में बहन जी को अगला यानी प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे देश में यानी देशव्यापी है। अभी हमारा यानी पहला चरण उत्तर प्रदेश का चल रहा है और इसके बाद हरियाणा और पंजाब में हम लोग जाएंगे, इसके बाद जब तक यानी कि चुनाव समाप्त हो जाएंगे 3 राज्यों का, ठीक है, इन राज्यों को भी कवर करेंगे और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भी रैली जाएगी, और इस माध्यम से बहन जी के पक्ष में हम लोग यानी कि पूरे देश में उनको अगला PM बनाने के लिए माहौल दे रहे हैं।